हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि इसके पहले मैंने आपको 2016 का बताया था, 2017 का बताया था, आज मैं आप लोगों को 2018 के पेपर्स बता रहा हूँ, जिससे आप ध्यान से देखेंगे। यह बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनका प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। तो इसे ध्यान से देखिए, देखिए। ही सेड लेट अस नॉट से एनीथिंग अबाउट इट टिल वी हियर द फैक्ट। देखिए, लेट अस नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, देखिए यह इम्परेटिव सेंटेंस है, क्लियर। तो यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो होगा। अगला है, देखिए, वी हियर द फैक्ट, यह जो है आपका असर्टिव का है, तो यह यहां पर मतलब असर्टिव का रूल फॉलो होगा। तो चलिए देखिए, यह इंपरेटिव सेंटेंस का लेट से संबंधित सेंटेंस है, तो इसे ध्यान से देखिए। ही सेड लेट वाले जब वाक्य में लेटस का प्रयोग होता है तो उस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। तो चलिए पर हम इतना करते हैं तो बन जाएगा। देखिए, तो देखिए, आई श्योर फर्स्ट का फर्स्ट, ही सेड ही प्रपोज्ड, ठीक है, हो गया। फिर कनेक्टिव में दैट लगा देते हैं, दैट। अब यहां पर जो वी है, वी के लिए हम कोई प्रोनाउन, वी अस के लिए हम वी या दे लगा देते हैं। तो चलिए यहां पर दे लगा देते हैं, दे, क्लियर। तो अस के लिए हमने यहां पर दे लगा दिया, या वी भी लगा सकते हैं, और लेट के लिए यहां पर शुड का प्रयोग कर देंगे। तो दे शुड, फिर आगे लिखेंगे दे शुड नॉट से, से एनीथिंग, एनीथिंग अबाउट इट, अबाउट इट, क्या तो क्लियर हो गया। फिर देखिए टिल कंजंक्शन है, उतार देंगे, टिल हो गया। वी है तो वी क्या पर दे का प्रयोग हो जाएगा, दे, या हियर या प्रेजेंट इंडिफिनिटिव है तो पास हो जाएगा, तो हर्ड हो जाएगा, दे हर्ड द फैक्ट्स, या समझ में आ गया होगा आपके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ईट फ्राइड सब्सटेंस, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ईट फ्राइड सब्सटेंसेस। सेंटेंस पढ़ करके लग जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस है कि ऑर्डर है, एडवाइज्ड है या रिक्वेस्टेड है। देख रहे हैं यह एडवाइज है, तो इसे बनाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस में बदल देंगे, तो यूं बन जाएगा। देखिए, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, ठीक है, एडवाइज करा दिया। फिर डू करा देते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड या ऑर्डर बदल देते हैं तो उस कंडीशन में डू करा देते हैं और नॉट के बाद टू लगा देते हैं, तो बन जाएगा द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट, नॉट टू ईट फ्राइड सब्सटेंसेस, फ्राइड
फ्लूइड सब्सटेंसेस। देखिए तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू। तो देखिए आंसर टू का फर्स्ट, द मैन सेड अलास व्हाट अ फूल आई हैव बीन। देखिए यह आपका जो है सेंटेंस जो अलास है यह दुख प्रकट कर रहा है, ठीक है, यह दुख प्रकट कर रहा है और यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और अलास के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद ग्रिप या एक्सक्लेम्ड विद सैड में बदल देते हैं। तो बन जाएगा देखिए द मैन एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। देखिए द मैन एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ दैट, बस यहां तो हो गया एलॉस के लिए एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, ग्रीफ शब्द आ गया एलॉस के लिए और सेड के लिए एक्सक्लेम्ड हो गया। तो द मैन एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ दैट आई है सब्जेक्ट, ये जो है इस सब्जेक्ट में बदलेगा तो इसके लिए ही हो जाएगा ही प्रेजेंट। देखिए यह जो हैव बीन का प्रयोग किया गया है यानी यह जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वर्ब है तो बदल देंगे ही हैड बीन बनेगा। द मैन एक्सक्लेम्ड विद ग्रीक दैट ही हैड बीन और क्या अ फूल, फूल एसोमेटिक सेंटेंस में जब व्हाट ए हाउ का प्रयोग होता है उस कंडीशन में हम वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। ग्रेट का प्रयोग तब करेंगे जब ग्रेट के बाद कोई नाउन आएगा, यानी ऐसे बन जाएगा ही हैड बीन अ ग्रेट फूल, ही हैड बीन अ ग्रेट फूल। बस तो इस तरह से आपके ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स, ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स, ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए यह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस में इस कंडीशन में क्या करते हैं हम गुड बाय को बेड में बदल देते हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग आता तो विश में बदल देते हैं, गुड बाय है तो हम बेड बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। तो ये बन जाएगा ही बेड, ठीक है, ही बेड हिज फ्रेंड्स। ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, बस बन गया ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय या ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, दोनों में से किसी से भी यह बन जाएगा। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। तो देखिए द टेलर सेड टू द कस्टमर आर यू इन अर्जेंट नीड ऑफ योर सूट, आर यू रेडी टू पे मी एक्स्ट्रा चार्जेस। देखिए जो टेलर है वह कस्टमर से क्वेश्चन पूछ रहा है, दो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कि सेट टू को हम आस्क या इनक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। तो बदलिए द टेलर आस्क्ड द कस्टमर फर्स्ट का द टेलर
आस्क द कस्टमर, ठीक है। हेल्प यू से शुरू करा है तो कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर लगाइए। इफ या सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इस आदमी वर्ड लेगा तो कस्टमर के लिए ही हो जाएगा। इफ इफ आर यू इफ ही वाज इफ ही वाज इन अर्जेंट अर्जेंट नीड, देखिए इफ ही वाज इन अर्जेंट नीड ऑफ हिज योर एफ हिज जाएगा हिज सूट। देखिए द टेलर आस्क्ड द कस्टमर इफ ही वाज इन अर्जेंट नीड ऑफ हिज सूट। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है आर यू रेडी टू पे, अब फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है तो एंड फर्दर आस्क्ड या कह सकते हैं एंड ही आस्क्ड अगेन या ही एडेड, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। ही एडेड ही एडेड, देखिए इफ ही वॉज रेडी, देखिए ही एडेड इफ ही वॉज रेडी टू पे मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट में बदलेगा तो हिम हो जाएगा, हिम एक्स्ट्रा चार्जेस। बन गया तो बन जाएगा द टेलर आस्क्ड द कस्टमर इफ ही वॉज इन अर्जेंट नीड फॉर हिज सूट, ही एडेड इफ ही वॉज रेडी टू पे हिम एक्स्ट्रा चार्जेस। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। शी सेड रमन सैंग एंड दिनेश डांस्ड इन द फंक्शन, तो बना ये पास्ट टेंस में है तो बन जाएगा ही सेड दैट, ऑब्जेक्ट दे दिया तो सेड का सेड ही हम ले देंगे, ऑब्जेक्ट दे दिया तो सेड का सेड ही ले देंगे। ही सेड रमन सैंग एंड दिनेश डांस्ड इन द फंक्शन, तो दैट रमन सैंग दैट रमन हैड पास्ट है रमन हैड संग एंड दिनेश डांस्ड डांस्ड इन द पार्टी, देखिए तो इन द पार्टी बन गया। ही सेड दैट रमन हैड संग एंड दिनेश डांस्ड इन द पार्टी, इस तरह से आपने इसे देख लिया। यह देखिए पार्टी यहाँ पर फंक्शन है तो यहाँ पर आपको फंक्शन लिखना, इन द फंक्शन लिख दीजिए और भी अच्छा रहेगा। इन द फंक्शन अब सही है, यहाँ पे फंक्शन होगा तो बन गया। ही सेड दैट रमन हैड संग एंड दिनेश डांस्ड इन द फंक्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए आंसर 4 का फर्स्ट, द टीचर सेड व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर, ध्यान देखिए तो देखिए यह एक्स
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब व्हाट इज या हाउ का प्रयोग होता है उस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम में बदल देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। इसमें हम अप्लॉडेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, अप्लॉडेड से भी हम इसे बना सकते हैं। तो बनाइए, द टीचर एक्सक्लेम्ड, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट, ये भी देखिए, दैट व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर, यू ही हो जाएगा, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। देखिए, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। हम चाहते इसको यूं भी बना सकते हैं, द टीचर अप्लॉडेड मी, अपने पास से ऑब्जेक्ट लगा देंगे, द टीचर अप्लॉडेड मी, ऐसे बना सकते हैं, या द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, माय फादर सेड टू मी डोंट वरी, मेरे पिताजी ने कहा चिंता मत करो, एडवाइस है, क्लियर है, तो बन जाएगा माय फादर एडवाइज्ड मी। क्लियर। अभी बताया है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो डू खड़ा देते हैं और नॉट के बाद टू लगा देते हैं, तो माय फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वरी, बन गया, यह बन गया आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर टुमारो, यह असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो टोल्ड में बदल देते हैं, तो बन जाएगा, देखिए, आंसर 5 का फर्स्ट, देखिए, आई टोल्ड हिम I told him that I है, इसके अंदर बदलेगा तो I का I हो जाएगा, will का would हो जाएगा, I would not go there tomorrow को the next day बदल देंगे, the next day बदल गया, I told him that I would not go there, go there tomorrow को the next day बदल गया। चलिए इसे देखते हैं, second, her father said to me do you know where Prem is, clear, तो बन जाएगा, activity sentence है तो reporting verb को asked या inquired में बदल देंगे, तो बदल जाएगा her father asked मी, हर फादर आस्क्ड मी, हेल्पिंग वर्ब शुरू है तो कनेक्टिंग वर्ड इफ लगा देंगे, इफ यह सेकंड पर्सन प्रोनाउन है इसके अंदर बदलेगा तो आई हो जाएगा, आई डू यू नो, प्रेजेंट में भी पास्ट में बदल जाएगा, इफ आई न्यू Where देखिए, if I knew where Prem
एज है तो वाज रहेगा। देखिए यह आपके समझ में आ गया होगा, सिंपल है। हर फादर आस्क्ड मी इफ ई वैसे बदलेगा आई प्रेजेंट इन पर्सन इज न्यू वेयर प्रेम वॉज। क्लियर। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन फाइव हो गया, क्वेश्चन सिक्स। तो देखिए, माय मदर सेज टू माय सिस्टर आई डिड इट माय सेल्फ। ध्यान दीजिए, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन प्रोनाउन जरूर बदलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए डिड का डिड ही रहेगा, तो बन जाएगा आंसर सिक्स का फर्स्ट। देखिए, माय मदर सेज है, टेल्स जाएगा, टेल्स माय सिस्टर दैट, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, माय मदर से बदलेगा तो सी हो जाएगा, सी। यहां डिड का डिड ही रहेगा, इसका टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में है। सी डिड, सी डिड इट माई सेल्फ, हर सेल्फ हो जाएगा, बस से बन गया। चलिए सेकेंड देख लेते हैं। रुचि सेड टू हिमांशु आई विजिटेड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टू इयर्स एगो। यह पास्ट सेंटेंस में है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, और सिंपल सेंटेंस में है तो देखिए सेड टू है, ऑब्जेक्ट दिया है तो टोल्ड बदल जाएगा। रुचि टोल्ड हिमांशु दैट, देखिए यहां पर भी आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, रुचि का समझ लेगा तो सी हो जाएगा, सी हैड विजिटेड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टू इयर्स एगो, एगो को बिफोर बदल दीजिए, बस बन गया। तो रुचि टोल्ड हिमांशु दैट शी हैड विजिटेड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टू इयर्स एगो को बिफोर बदल दिया, तो इस तरह से आपने इसे देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए अब हम जो है इसको तो अलग कर देते हैं, आंसर अलग कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने पूछा वेयर डू यू लिव। देखिए इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है यह बाद में दिया गया है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच बाद में हो चाहे कहीं भी हो, जब हम इंडाइट बदलेंगे तो यह वाक्य के प्रारंभ में आ जाएगा, आस्क द स्ट्रेंजर, तो बन जाएगा देखिए आंसर सेवन द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर यू है, हम मान लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं है इसमें, द स्ट्रेंजर आस्क्ड ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो हम अपने पास से ऑब्जेक्ट मान लेंगे, मान के लिख लें या अपने मन में मान लें जैसे भी हम चाहें। तो वेयर डू लिव आस्क्ड द
पैसेंजर, अजनबी ने पूछा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? किससे पूछा? किसी से पूछ सकता है, तो यहाँ पर हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर? तो द सेंडर आस्क्ड, चाहिए तो अपने पास से कुछ प्रोनाउन लगा लीजिए, क्या करना है? द सेंडर आस्क्ड मी, ठीक है? फिर एक जो हेयर है या कनेक्टिव वर्ड बन जाएगा, तो हेयर का हेयर ले देंगे, हेयर यू है, इसके नाम बदलेगा तो आई हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडिविड है तो पास्ट इंडिविड बदलेगा तो लिव्ड हो जाएगा, वेयर आई लिव्ड, बस ये बन गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सेकंड देखते हैं, ही सेड अलाउस दिया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जब अलाउस दिया रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सारो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रिप बदल देंगे, तो देखिए ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट, हो गया आई है, इसमें बदलेगा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वर्ब है, ही वॉज अंडन, तो इस सबसे बदल गया, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वॉज अंडन, ही वॉज अंडन, क्लियर? तो इस तरह से जो 2018 का एग्जामिनेशन पेपर है, यह आपको समझ में आ गया होगा। ओके।